बुलेटिन के प्रायोजक हैं एसएमबी प्लाजा, उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ। साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरण में होगा संपन्न, उदयपुर में 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। मामूली विवाद में परिवार पर लठ और पत्थरों से हमला, पीड़ित ने पुलिस से मांगा न्याय। आयर नदी पेटे में बने 5 पक्के मकान ध्वस्त, निगम और यूआईटी की टीमों ने चलाए बुलडोजर। और हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे वकीलों से समझाइश करने पहुंचे शहर विधायक, मीटिंग के बाद अधिवक्ता लेंगे निर्णय। देश भर में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि 543 लोकसभा सीटों के लिए राजस्थान में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण राजस्थान में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल में वोट डाले जाएंगे और 4 जून को मतगणना होगी। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में राजस्थान में वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि कुल 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में राजस्थान की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव 19 अप्रैल को होंगे और वोट डाले जाएंगे, जबकि शेष सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होंगे उदयपुर में और उदयपुर के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। परिवार के बीच मामूली विवाद में देवर और उसके परिवार द्वारा भाभी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सुखेर थाना क्षेत्र के डांगलियों की मगरी निवासी श्याम सुंदर मिनारिया ने अपने भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस में शिकायत देकर उन्होंने बताया कि श्याम सुंदर मिनारिया के छोटे भाई मिठालाल मिनारिया के मकान निर्माण का कार्य चल रहा है। मकान का निर्माण कार्य के दौरान श्याम सुंदर मिनारिया के घर के बाहर ही मार्बल काटने का काम किया जा रहा था। इस काम को रास्ते से हटाकर करने की बात पर विवाद हो गया, बात लाठी जंग तक जा पहुंची। परिवार के आपसी विवाद के चलते घायल हुए यह महिला की सिर पर और चेहरे पर चोटें आई है। महिला का आरोप है कि उस पर पत्थर और लठ से हमला किया गया। उन्होंने बताया कि सुंदर मिनारिया ने अपने छोटे भाई मिठालाल मिनारिया को मार्बल कटिंग थोड़ा आगे करने की बात कही तो आवेश में आकर मिठालाल मिनारिया, उसकी पत्नी मोहनी बाई, उसके पुत्र विकास और पुत्री संतोष ने श्याम सुंदर और उसके परिवार पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में श्याम सुंदर मिनारिया की पत्नी सुनीता मिनारिया को सिर में गंभीर चोटें आई और वह लहूलुहान हो गई। साथ ही उनकी बहू ज्योति मिनारिया के भी चोटें आई है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने सुखेर थाने में जानलेवा हमले करने का मामला दर्ज करवाया है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उन्हें आज भी जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इसको लेकर आज पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। सर कुछ नहीं सर, छोटी सी बात थी, दोनों भाई भाई मेरे काका ससुर जी और मेरे ससुर जी दोनों बात कर रहे थे, पर सर इनकी क्या है पहले से प्री प्लानिंग थी, क्योंकि एक दिन पहले ही मेरी जो ननंद है, मेरे काका ससुर जी की लड़की जो एक अध्यापिका है, उन्होंने पहले ही मुझे वार्निंग देके गए थे एक दिन पहले ही कि मेरे पापा के लिए अगर किसी ने कुछ बोला है तो हम एक एक को जान से मार देंगे। तो मैंने उस दिन थोड़ा डर के मारे इनको बोला भी था कि देखो ये यूँ धमकी देके गए, आप तो घर पर रहते नहीं और पापा एजेड है और हमें ये मार देंगे कभी, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होता है पागल, ऐसे ही बोला है इन्होंने। लेकिन बाद में सर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में इनकी प्री प्लानिंग थी, इनके पास में लठ थे और ये धारदार जो पत्थर था मार्बल की सिलजा इनका काम चल रहा है, उन धार हर एक के हाथ में वो मार्बल की पट्टियाँ ही थी और मार्बल की पट्टियों से हमें अटैक किया है सर। हमारे मैं बता नहीं सकती मेरे किस किस जगह पे लगी हुई है, मेरे देवर, मेरे काका ससुर जी और उन्होंने मिठालाल जी मीनारिया काका ससुर जी, उन्होंने उनकी एक बेटी जो है शादीशुदा चिरवा रहती, चिरवा शादी करवाई है पर रहती यही है वो और उनके पीहर में रहती है, उसको पूरा श्रेय दे रखा है, वो यहीं रहती है और सबसे पहले वो आगे होती है, जब भी कुछ होता है वो आगे होती है। संतोष मीनारिया और मेरे मिठालाल जी देवर है, उसकी लड़की संतोष मीनारिया, हमारे भाई भाई की बीच में बातचीत हो रही थी और इतने में वो सब परिवार आ गए और बातचीत हो रही थी, मेरा बेटा भी फिर आए एक बात करने लगा, उतने में संतोष आके पत्थर लेके पहले उसके मेरे बेटे के ऊपर फेंका, फिर हम ये मेरे बहू दौड़ी और मैं भी दौड़ी, जितने मेरे देवर ने इनको लठ मारे और संतोष ने उनको पत्थर मारी थी, इतने में मैं पहुँच गई तो उनके एक पत्थर तो पहले लग गया, फिर एक मार्बल की सिल्लियों से लेके वो फिर मारने लगी तो मैंने हाथ ऊपर किए,
ऐसे रोकने की कोशिश की तो उसने संतोष मेनारे ने मेरे सर पे मार दी और मेरे बहू को उसकी पत्नी मिठालाल मेनारे ने बहुत घसीट के बाल पकड़ के घसीट के ऊपर बैठ गई और उसका बेटा था वो विकास मेनारे वो इसको पत्थर की सिल्लियों से मारा या लगी है उसको। पुलिस प्रशासन से अपील करती हूँ कि मेरे प्रोटेक्शन दिया जाए और मेरे को न्याय मिला जाए और मेरे बेटे की सुरक्षा की जाए क्योंकि वो हमको धमकी दे रहे और उनके दो बेटे तीन लड़के मेरा एक बेटा सिर्फ मेरा एक बेटा और दो लड़के हैं लेकिन मेरे बेटे कभी नहीं बोली और मेरे बेटे को धमकी दे रहे आए दिन और रास्ते में उनको उसको जान का खतरा। उदयपुर के आयर नदी के पेटे में बने हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए शनिवार सुबह ही बुलडोजर लेकर पहुंची टीमों ने कार्रवाई करते हुए कई कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया। इसी दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवानों के कई अधिकारी भी मौजूद थे। इसी दौरान इन मकानों में रहने वाले लोगों का विरोध भी देखने को मिला लेकिन पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती के बीच बुलडोजर चलता गया और 5 से 6 पक्के मकानों को जमींदोज़ कर दिया गया। उदयपुर के आयर नदी के पेटे में बने हुए मकानों को हटाने की कार्रवाई का यह दृश्य शनिवार का है। शनिवार सुबह पूरी योजना के साथ उदयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम उदयपुर की टीमें आयर पुलिया पर पहुंची और लेक सिटी मॉल के सामने नदी के पेटे में किए हुए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत आयर पुलिस चौकी के पीछे से शुरुआत करते हुए आयर नदी के पेटे में बनाई गई 4 दीवारियों पक्के निर्माण और कच्चे निर्माण सबको तोड़ना शुरू कर दिया गया। इस दौरान महिलाओं ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। इसी बीच पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने उन्हें रोका और यह कार्रवाई चलती रही। सुबह करीब 7 बजे टीमें मौके पर पहुंच गई थी। कार्रवाई के दौरान 5 से 6 पक्के निर्माण तोड़े गए और इसके अलावा नदी की सीमा में बने अस्थायी निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान जिस व्यक्ति का घर टूटा उसने मीडिया को बताया कि वह 40 साल से यहाँ पर रह रहा है, उसे कहीं पर रहने की जगह दी जाती, इसके बाद उसका घर तोड़ना चाहिए था। मेरी मम्मी पापा सभी परिवार 40 साल से थे यहाँ पे, जो एक हफ्ते का बोला है एक हफ्ते के अंदर अंदर खाली कर देना, एक दो मरतबा आया और आज इसको तोड़ तोड़ा करके फाइनल सब सत्यानाश कर दिया पूरा सामान का। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की, वाइब्स है ये है अपनों की, सिटी वाइब्स है ये। हम तो कहीं नहीं जाएंगे भाई, हमारा तो यही है जो कुछ है खुले में, हम कहाँ जाएंगे, हमारे ना कोई मकान दिया है ना कुछ दिया है, हम तो यही रहेंगे और कहाँ जाएंगे। हाँ हमें तो कहीं रहने का इंतजाम हमें यहाँ देते हैं तो हम यहाँ से खाली वगैरह सब सामान वामान समेट लेते और हम कहीं देते हैं वहाँ पे। हाँ सामान का रहने का इंतजाम भी नहीं दिया और सबको ने सत्यानाश कर दिया तोड़ तोड़ा करके, सबको मिट्टी में मिला दिया, सबका सब सामान कर दिया सत्यानाश। भाई रहने का इंतजाम देते यहाँ पे वहाँ पे कहीं इंतजाम हमें कहीं देते। कार्रवाई के दौरान गिरवा SDM रिया डाबी भी मौके पर पहुंची थी। SDM रिया ने UDA और नगर निगम की टीमों के साथ आगे नदी पेटे में जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए उनकी साइट का भी निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान गिरवा SDM रिया डाबी, UDA तहसीलदार अभिनव शर्मा, तहसीलदार बड़गांव पर्वत सिंह, नगर निगम के राजस्व अधिकारी नीतीश भटनागर, भोपालपुरा थानाधिकारी मुकेश सोनी, नगर निगम के CI मांगीलाल RI विजय जैन, भोपालपुरा थानाधिकारी मुकेश सोनी, नगर निगम के CI मांगीलाल RI विजय जैन, राहुल मीणा, UDA के सुरपाल सिंह सोलंकी, टीम में बाबूलाल तेली सहित बड़ी संख्या में भू अभिलेख निरीक्षक पटवारी सहित अनेक लोग मौजूद थे। यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल राडाजी चौराया।
बेंच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच वकीलों से बातचीत करने पहुंचे शहर विधायक ताराचंद जैन ने समझाइश का प्रयास किया। उन्होंने बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच शुरू होने की बात से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि बीकानेर में चीफ जस्टिस ने काया घोषणा की है, ये उन्हें नहीं मालूम है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच वकीलों से बातचीत करने पहुंचे शहर विधायक ताराचंद जैन ने समझाइश का प्रयास किया। उन्होंने बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच शुरू होने की बात से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि बीकानेर में चीफ जस्टिस ने क्या घोषणा की है, ये उन्हें नहीं मालूम है। उन्होंने वकीलों को समझाने का प्रयास किया कि कोटा, बीकानेर और उदयपुर में एक साथ वर्चुअल बेंच की स्थापना की जाएगी। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे वकील समुदाय ने शनिवार को भी अपना आंदोलन जारी रखा। टूल डाउन हड़ताल के तहत उन्होंने शनिवार को भी न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं लिया। इसी बीच हड़ताल पर बैठे वकील समुदाय से मिलने पहुंचे उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने उनसे समझाइश का प्रयास किया। उन्होंने वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि बीकानेर में क्या घोषणा हुई है उन्हें नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा ये भी उन्हें नहीं पता है। उन्होंने बताया कि इस बारे में उनकी विधि मंत्री और अन्य भाजपा नेताओं से बात हुई है। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की स्थापना कोटा, उदयपुर और बीकानेर में एक साथ की जाएगी यह कहा। विधायक ताराचंद जैन से हुई बातचीत के बारे में मीडिया से मुखातिब होते हुए अध्यक्ष का कहना है कि बार एसोसिएशन के पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आज देखिए, अभी तो मैं नहीं कह सकता है कि अभी आंदोलन बिल्कुल समाप्त हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले अपने ताराचंद जी भाई साहब पधारे यहाँ पे शहर विधायक, और उन्होंने कहा है कि उनकी विधि मंत्री से और उनके थ्रू चीफ जस्टिस से बात हुई है कि भाई एक साथ घोषणा की जाएगी बीकानेर, कोटा और उदयपुर। आप निश्चिंत रहें, अभी हम उनके आश्वासन पे कुछ ही देर में हमारे पूर्व महासचिव, पूर्व उपाध्यक्ष, संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य हैं और वरिष्ठ जितने भी अध्यक्ष और जितने भी हमारे यहाँ कोर्ट के सीनियर हैं, उन सबको बुला के आप देखिए कि एक मीटिंग कर रहे हैं, आधे एक घंटे में मीटिंग होगी, उसके बाद आगे की रूपरेखा तय होगी कि हम आंदोलन जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे। चीफ जस्टिस बीकानेर आए, उन्होंने बीकानेर के अंदर ये कहा कि भाई यहाँ हाईकोर्ट बेंच की खुलेगी। अब उन्होंने क्या शब्द बोले ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसका अर्थ ये निकाला गया आज उन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन वस्तु स्थिति थी, जब हमारी जानकारी में आया, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारे से बात की, अर्जुन राम जी मेघवाल से बात की, तो उन्होंने बताया कि भाई दोनों का प्रोसेस चल रहा है और दोनों ही, उसके साथ कोटा भी, तीनों वर्चुअल हाईकोर्ट की शाखाएं तीनों एक साथ खुलेगी। संशय की स्थिति में से ये बात निकल के आई है और उदयपुर, कोटा और बीकानेर तीनों हाईकोर्टों की वर्चुअल शाखाएं तीनों एक साथ खुलेगी, ऐसा 100% खुलेगी। तो मैंने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि जब तक इस तरह की बात हमारे को आश्वासन दिया, इसका मतलब सही दिया होगा, तो आपसे आग्रह करते हैं कि जो आपने अभी आंदोलन किया है, जब तक बात स्पष्ट नहीं हो जाए तब तक इसको विराम दे देना। रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, होमली एनवायरमेंट, इंडिविजुअल अटेंशन, स्टूडेंट फ्रेंडली लाइब्रेरी, एयर कंडीशन्ड प्री प्राइमरी क्लासरूम्स, डिजिटल क्लासरूम्स, ह्यूज स्पेस फॉर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जैन सोसाइटी ग्रांट्स, 50% स्कॉलरशिप फॉर जैन स्टूडेंट्स, सीसीटीवी सर्वेलेंस बाय मैनेजमेंट, अफोर्डेबल एंड सेफ कन्वीनियंस फैसिलिटी अवेलेबल। रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के भुआना इलाके में स्थित एक केमिकल गोदाम में शुक्रवार देर शाम आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि केमिकल गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग के लपटे और धुएं का गुबार देखकर आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। भुआना स्थित जोयड़ा बावजी के पास आवासीय बस्ती इंद्रापुरी में एक मकान में बने हुए अवैध केमिकल गोदाम में शुक्रवार देर शाम शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन क्षेत्र में 3 से 4 घंटे तक दहशत का माहौल बना रहा। धमाके के साथ लपटे निकली तो इसी मकान में 15 अलग अलग कमरों में किराए पर रह रहे लोग, 15 श्रमिक परिवारों के साथ क्षेत्रवासियों की सांसें फूल गई। केमिकल के ड्रमों के फटने से धमाके इतने तेज थे कि आस पड़ोस के घरों की दीवारें तक हिल गई। एक के बाद एक 5 बड़े धमाकों पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 12 दमकलों ने 48 फेरे कर रात करीब 10:48 पर आग पर काबू पाया। काम पूरा कर दमकलें लौटी ही थी कि रात करीब 11:18 पर फिर आग धधकने लगी। इस पर फायर टीम वापस पहुंची और लपटे बुझाई।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव दो चरण में होगा संपन्न। उदयपुर में 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। मामूली विवाद में परिवार पर लठ और पत्थरों से हमला, पीड़ित ने पुलिस से मांगा न्याय। आयर नदी पेटे में बने 5 पक्के मकान ध्वस्त, निगम और यूआईटी की टीमों ने चलाए बुलडोजर। और हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे वकीलों से समझाइश करने पहुंचे शहर विधायक, मीटिंग के बाद अधिवक्ता लेंगे निर्णय। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए News 91 पर। नमस्कार। बुलेटिन के प्रायोजक हैं SMB प्लाजा, उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ, साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं News 91 आवाज हम सबकी।